morning, everyone. A very, very happy morning on Wednesday in Delhi. ये देखो मिस्टर पीजे आज बाहर है क्यों पता है इट इज सनी टुडे अभी दिख नहीं रहा है मतलब सूरज देव कभी खिल रहे हैं कभी छुप रहे हैं बट इट इज क्वाइट सनी बर्ड्स का भी चर्पिंग आ रहा है और बस सब एनिमल्स बाहर निकले हैं ये देखो अच्छे अच्छे फ्लावर्स बस सच का नजारा अच्छा है Not at all cloudy. Quite a clear sky. चलो और आज उतना ना शिवरिंग भी नहीं है कि एकदम कप कप के अंदर जा रहे हैं बाहर रुक नहीं पा रहे हैं वैसे भी नहीं है अच्छा पता है बातों बातों में ठीक बता रही हूँ ये मेरी सीक्रेट है कुछ कुछ होता है ना जैसे सम फ्रेंड्स नाइस ब्लॉगर्स सब कुछ देखती हूँ अच्छा लगता है तो मेरे मन का जो मैं देख रही थी मुझे ना नेचर सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं ना ये देख रही थी कि जब कोई मेरे फ्रेंड्स अच्छे ब्लॉग्स बनाने घूमने फिरने का अच्छी अच्छी जगह का तो वो चीज़ ना मुझे बहुत भाता है 15-20 मिनट्स का जो ब्लॉग बनाते उस वो इतना मतलब मज़ेदार होता है इतना अच्छा होता है इतना बढ़िया होता है उसमें इतना इम्पैक्ट होता है कि वो देख के एकदम खो जाता है इंसान और बाद में भी सोचते रहते हैं दैट इज द मैजिक ऑफ गुड ब्लॉगर्स एंड आई अप्रिशिएट दैट सच बहुत अच्छा लगता है एंड बढ़िया बढ़िया चीज इंसान बनाए तो अप्रिशिएट करने में भी अच्छा लगता है ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं देख के सीख भी रही हूँ कि अ पर्सन कैन मेक सच नाइस ब्लॉग सच नाइस वर्क दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ क्रिएशन एंड अ वर्क ऑफ आर्ट एक अच्छे ब्लॉगर बोलते हैं ना क्रिएटर्स होते हैं ब्लॉगर्स तो दे आर क्रिएटर्स एंड आई पर्सनली थैंक देम एंड आई पर्सनली रिगार्ड देम फॉर देयर गुड वर्क चलो फिर कुछ काम कर लेती बोलोगे दी आज क्या कर रहे हो अभी तक किचन नहीं पहुंचे हो किचन पहुंचना था आज पता नहीं बहुत डल डल सा फील कर रही हूँ आज मन ही नहीं हो रहा है कुछ करूँ बाहर कंस्ट्रक्शन का भी बहुत आवाज आ रही है ये देखो ये सब ना मैंने पेंट की थी ये पुराने पोस्टर्स का कलर वलर करके पेंट कर दी करके यहाँ पे रख दी तो और ये देखो ये वाला सुनते ये कलर करके पोस्टर्स को मैं ऐसे सजा दी हूँ कैसे सजाने का चीज भी हो गया और अच्छा भी लगा Do you know this? What is this? This is Tamro Lipi. This is in olden times in India. In palm leaves, they used to chemically treat the palm leaves and then they used to write on them, paint on them and a lot of great people used to write on them. I have one blog on this, very small blog when I started my blog. So, I was trying to focus a physical. So, this I got from Delhi Hat. इन दिस यू कैन राइट अंदर ना ऐसे लेटर के तरह इट्स लाइक अ बुक तो पहले जमाने में इसमें लिखा जाता था एंड आई समटाइम्स फील पीपल इन ओल्डन एजेस दे वर सो सो ग्रेट लर्नर्स सो ग्रेट रीडर्स दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट ही यूज्ड टू मेक द बेस्ट एंड द आई शुड से द मैक्सिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बोलोगे दी क्या सोच रहे हो सोच रही हूँ पहले जमाने में फ्लावर्स नेचुरल रिसोर्सेज से लोग कितना कुछ बनाते थे है ना तो उनसे हम लोगों को कितना कुछ सीखना है फिर सोचती हूँ जो नेक्स्ट जनरेशन है हमसे छोटे जो है उनसे भी सीखना होता है हमें ये कोई और हिसाब से नहीं बोल रही हूँ मतलब मैं बोलना चाहती हूँ टेक्नोलॉजिकली है ना बहुत कुछ सीखने का होता है उनसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ 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 हमें सीखना जरूरी होता है ना जो ताम्रो लिपि का इंक था जिसमें वो पाम लीव्स में लिखते थे वो तो एक्चुअली फ्लावर्स फ्लावर्स का इंक को उन लोग दे यूज टू केमिकली ट्रीट इट एंड देन दे यूज टू यूज इट फॉर राइटिंग तो वही सोच रही थी मैं ये आज का वेज फ्राइड राइस मैंने मंगवा लिया ज्यादा नहीं पड़ा दो प्लेट मंगवाया मेरे को 240 में पड़ा 120 का एक प्लेट है क्वाइट रीजनेबल तो शाम का सबका हो जाएगा और कुछ चाहिए नहीं अगर जरूरत होगा तो पापड़ वापड़ फ्राई कर देंगे इसमें ही हो जाएगा है ना तो एक दिन चलता है ना फ्रेंड्स बोलो दी क्या कर रहे हो लंच के टाइम बैठ के नमक पारा खा रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कुछ रीजन के लिए नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है
मेरे बेटू ने खा के सुबह रख के गया था, तो मुझे ऐसी नमकीन चीजें पसंद है, तो मैं नमक पारा टुक टुक करके एक दो खा रही हूँ। फिर मुझे लग रहा है और दो खा लो। मैं इसलिए बोल रही थी कि बोलोगे इतना स्पर्धा कि बोलते हो बड़ों भी हमसे सीखते हैं, नहीं बड़े हमसे नहीं सीखते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इट फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स, राइट, ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन। स्लोली 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 टेक्नोलॉजी गॉट एडवांस। तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुआ तो इट हैज कम टू दिस स्टेज। तो विथ स्टेजेस विथ टाइम वी ह्यूमंस हैव कम डाउन द एजेस। गला भी पकड़ रहा है मेरा। तो जेनरेशन पे जेनरेशन पे जेनरेशन पे जेनरेशन पे हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अब अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे तो नहीं आता। जैसे हमारे बच्चों का जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स, ये वो दे आर मच मोर मतलब इंट्रोड्यूस्ड एट द अर्ली स्टेज। किंडरगार्टन वन से दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू कंप्यूटर्स, बिकॉज उसके बिना चलेगा नहीं, ठीक है। तो उससे भी छोटे जो बच्चे हैं वो और भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। वो तो बचपन से ही कंप्यूटर फोन्स लेके खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमको उनसे सीखना है, क्योंकि उनके बिना हमारा चलेगा नहीं। सच बता रही हूँ, मैं उस दिन बोल रही थी ना, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने अपने बेटे को पूछा तो बोला मम्मा फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, देखना आपका क्या प्रॉब्लम है, वो आ जाएगा तुरंत। तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो ये रहा है कि दे नो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन सच केसेस मच बेटर देन वी डू, है ना। अब कुछ कुछ चीजों में एल्डर्स नो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम मच बेटर देन वी डू, राइट। तो उस तरह से एल्डर्स जो है कुछ कुछ जगह पे हमारे उनके बिना नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज है जिंदगी की, बहुत सारी एक्सपीरियंस है, वो एल्डर्स को ज्यादा पता है हमसे ज्यादा, वो हमें अच्छा दिशाएं दिखा सकते हैं ना। तो इन दैट वे हमारे उनके बिना नहीं चलेगा। अब कुछ कुछ बातों में जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी में हम एल्डर्स से सीखेंगे तो एल्डर्स बोलेंगे कि हमारे टाइम पे ये पता था, अब तुम्हारे टाइम पे ये तो बढ़ के और अच्छा हो गया है बेटा। तो हम बोलेंगे अरे हमें तो ये पता ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे हंसेंगे कि अरे तुम लोगों को ये नहीं पता। तो उस जगह पे क्या होता है, यंगस्टर्स के बिना हमारा चलता नहीं है, क्योंकि हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो नहीं ना, ये तो सच बात है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इस बात को कोई गलत तरीके से या जिस सोच में बोले हैं उसको घुमा के और कुछ मत सोचना। मैंने बोलने का मतलब था कि हम बच्चों के पास बच्चे हो जाते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी के सामने आ जाते हैं तो हमें इतना कुछ आता पता नहीं होता है, हमारी बुद्धि उस टाइम पे चलती ही नहीं है। तो यही है, नमकीन खाते खाते अच्छे अच्छे बातें कर लिया, इस तरह छुट्टी है ना खाना बनाने में, इसलिए ऐसे बुक्स देख रही थी तो ये छोटा सा पोएम दिख गया, मुझे अच्छा लगा। टू मैन लुक आउट थ्रू द सेम बार्स, वन सीज मत द अदर सी स्टार्स। तो हमेशा अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी यादें, यही सब में मन को मस्त रखो, मन मस्त मगन। अच्छा मैं अभी एक काम कर लेती हूँ, ठीक है, और वो काम है ये बेडशीट चेंज करना। आज मैं फटाफट चेंज कर देती हूँ बेडशीट। एकदम दिमाग में आया तो इस रूम का चद्दर बदल दी, वो रूम का ठीक है। अच्छा पता है हम लोग जब 11th 12th में पढ़ते थे ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड, नाउ शी इज अ डॉक्टर, अभी वो है, आई टॉक टू हर वंस और ट्वाइस। तो हम लोग सोचते थे कि जब बड़े होंगे, एक बार उसने बताया कि चल चल हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ना पढ़ के थक गए हैं, हम लोग थोड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ घूम के आते हैं। तो वी वेंट टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, आई शोड यू ना इन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो घूमे, बहुत सारी बातें किए, अच्छा लगा, वॉक करके आए, वहां पे खुला खुला सा पेड़ वाली जगह। अभी तो बहुत मतलब थोड़ा सा डर भी लगता है, पहले तो बहुत ही ज्यादा इट वॉज सेफ फॉर अस। तो हम लोग गए और हम लोग प्रॉमिस किए जब हम बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट हो जाएगी, तब हम लोग फिर से वॉक करने आएंगे। बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, वॉकिंग नहीं, वो पता नहीं उसकी शादी हो गई, शी इज इन अ डिफरेंट प्लेस, आई एम इन अ डिफरेंट प्लेस, शी इज अ डॉक्टर, बिजी डॉक्टर, और मैं भी बिजी अपने काम में। कुछ 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 मेरे तो इतना हाई फाई काम नहीं है, कुछ 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 करती हूँ। तो चलो इसी तरह से काम करते करते फ्रेंड्स याद आते हैं तो याद कर लेती हूँ। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक माई चैनल, एंड प्लीज शेयर माई चैनल विद एवरीवन, ठीक है। और आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हो, लव यू ऑल,
फिर कल बातें करेंगे हाँ, आज यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा सा जो डल है ना, लेकिन मन हमेशा खुश रखना है सबको और खुश खुश होके चलना है।